18 जुलाई यानी कि कल एनडीए की बैठक होनी है, जिसके लिए चिराग पासवान को भी न्योता मिला है। बताया जा रहा है कि एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले चिराग पासवान ने भाजपा के सामने अपनी मांग रख दी है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 6 सीटें और 1 राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए, जिसके बाद ही वो एनडीए में शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान का मानना है कि एलजेपी में टूट से पहले 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी को 6 सीटें मिली थी और सभी सीटों पर उनकी जीत हुई थी, और इसी कारण से चिराग पासवान ने सभी 6 लोकसभा सीटों पर दावा ठोका है। साथ ही चिराग पासवान ने हाजीपुर की सीट से भी चुनाव लड़ने का दावा ठोका है। इस सीट से उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने चाचा और भतीजा दोनों को एनडीए में शामिल करने की चुनौती है, क्योंकि दोनों ही हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोनों को एकजुट करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लगातार मेहनत कर रहे हैं, मगर उन्हें अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि दोनों ही लगातार बयान दे रहे हैं कि मैं लड़ूंगा हाजीपुर से तो मैं लड़ूंगा। पिछले दिनों नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से पटना में और पशुपति पारस से दिल्ली में मुलाकात की थी, मगर इसके बावजूद भी चचा भतीजे के बीच जो जंग चल रही है वो अभी भी बरकरार है। चचा और भतीजे के इस झगड़े से भाजपा काफी परेशान है और चाहती है कि किसी भी तरह से दोनों को एक साथ लाया जाए, क्योंकि अगर ये साथ नहीं आए तो बिहार में दिक्कत हो जाएगी। कल होने वाली एनडीए की बैठक में दोनों को न्योता भेजा गया है। कल की बैठक में जब चाचा और भतीजा आमने सामने होंगे बैठक में, तब क्या होता है, बैठक में दोनों एक दूसरे का सामना किस तरीके से करते हैं, ये सब कुछ पता लगेगा कल की बैठक के बाद। तो कल की बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, सब कुछ बताएंगे आपको हम एबीपी लाइव पर। तो आप एबीपी लाइव देखते रहिए, और बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए।